इस वीडियो के अंदर हम इस एडिटोरियल को समझने की कोशिश करेंगे। एपिसोडिक क्रैक एट पॉल्यूशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी रूलिंग के अंदर गाइडलाइंस बताई हैं, जिसके अंदर फायर क्रैकर्स और पॉल्यूशन से रिलेटेड पिटीशन जो फाइल की गई थी, उसके बाद अब उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। एक फाइन बैलेंसिंग उन्होंने दी है कि किस तरह से राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू लाइफ के बीच में बैलेंस करने की कोशिश की है। पर जो गाइडलाइंस है, अगर फेस इस पर एडिटोरियल को अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे, उन्होंने लिखा है राइटर ने कि अगर ऑन द फेस ऑफ इट, अगर सामने से देखें तो जो गाइडलाइंस है वो प्रोग्रेसिव नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि अगर वह इम्प्लीमेंट होती हैं तो हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया है? एससी ने ऑर्डर किया है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स का यूज़ होगा। इसका मतलब है जो भी हार्मफुल केमिकल्स जो यूज़ किए जाते थे लाइट देने के लिए और आवाज़ ज़्यादा तेज़ करने के लिए, उन केमिकल्स का यूज नहीं होगा। ओनली नॉन हार्मफुल, रिलेटिवली जो कम हार्मफुल है, उन केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा। स्पेशली वो केमिकल्स जिसके अंदर से टॉक्सिक गैसेस का कंबशन होता है, इमिट होती हैं, उन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा। और उन्होंने बताया है कि 8 से 10 बजे के बीच ही फायर क्रैकर्स का यूज़ किया जाएगा। और यह गाइडलाइंस आपकी फेस्टिवल्स और वेडिंग्स के लिए भी उन्होंने इशू की है, उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस बताए हैं और प्रिस्क्राइब टाइम विंडो दी है। साथ में उन्होंने कम्युनिटी फायरवर्क्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को का डायरेक्ट किया है, जिससे कि उन्हें ओपन फील्ड के अंदर किया जाए, जिस तरह से यूएस के अंदर जब उनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 4th of July, तब फायरवर्क किया जाता है। तो यह हेल्प करेगा, क्योंकि तो ये सब जो गाइडलाइंस है वो नेचुरली हेल्प करेंगी। अब जैसे कि लास्ट ईयर एससी ने पूरा एनसीआर रीजन के अंदर क्रैकर्स के जो सेल है उसको बैन कर दिया था, जिससे कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वह लिमिट में रहे और PM2.5 पोल्यूशन जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का होता है, वो दिवाली पे 269 रजिस्टर किया गया था दिलशाद गार्डन में। अब जो कि लास्ट ईयर 4 to 7 हो चुका था, तो बैन करने से काफ़ी राहत मिली थी। आप देख सकते हैं 427 द ईयर बिफोर, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, और फिर लास्ट ईयर 269। इस सब के बाद अगर हम बात करें कि जो बैन है उसको एनफोर्स करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाइडलाइंस उन्होंने इशू कर दी हैं, लेकिन क्या कोई 8 से 10 के बीच में क्रैकर्स ही फोड़ेगा, इससे पहले और आगे नहीं फोड़ेगा? जो केमिकल्स है पूरे वर्ल्ड पूरे नेशन वाइड जो यूज़ किए जाएंगे, उनको किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि उनके अंदर केमिकल हार्मफुल केमिकल का यूज़ ना किया जाए? सो दिस इज़ द लार्जर प्रॉब्लम। इसके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो एपिसोडिक रिस्पॉन्स आते हैं, जैसे ही प्रॉब्लम आगे सामने आती है तो तभी इस तरीके के सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, जैसे कि दिल्ली में ऑड इवन रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि एक दिन ऑड वाली गाड़ियाँ चलेंगी, दूसरे दिन इवन वाली गाड़ियाँ चलेंगी। एससी ने बैन कर दिया था 2000 सीसी प्लस डीजल इंजन को, बाद में उन्होंने लिफ्ट कर दिया था, बाद में हटा दिया था ये रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जो रियल इशू है उसको कोई टैकल नहीं करता है। ये सारे जब भी प्रॉब्लम अराइज होती है, इस तरीके के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, एक पैच वर्क वाला काम होता है। तो ऑब्वियसली जो ऑड इवन वाला जो जो रिस्ट्रिक्शन था वो काम नहीं किया, क्योंकि जो सिटी की पॉल्यूशन है उसके अंदर जो व्हीकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9% ही अकाउंटेबल होते हैं पॉल्यूशन के लिए। तो जो रियल पॉल्यूशन मेकर हैं, जो 9% के अलावा जो 50% 40% जो पॉल्यूशन करते हैं,
उनको क्रैकडाउन की जगह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स को अगर क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 9% ही पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो 56% और 38% जो आपका क्या कहते हैं पॉल्यूशन होता है वह रोड डस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो रोड डस्ट होता है उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम होती है जो कि है 56% टू यहाँ पे 38%। यहाँ पे दिल्ली का PM 10 और PM 2.5 पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ में आपकी इंडस्ट्रीज जैसे कि पावर प्लांट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो भी 50% रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। और सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये स्टबल बर्निंग जो हरियाणा और पंजाब के अंदर होती है। स्टबल बर्निंग मतलब जो क्रॉप काटी जाती है और उसके बाद वो पूरी अच्छे से कट नहीं पाती है और उसको जानवर भी नहीं खा सकते क्योंकि वो मैकेनाइज्ड वे में काटी जाती है और वो जानवर खा नहीं सकते क्योंकि उनको खाने में नहीं आ पाता, उनको खुद चुभते हैं वो, और उन काटना बहुत ज़रूरी होता है और मतलब बेसिकली हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे ही खरीफ सीजन जाता है और रबी की क्रॉप बोई जाती है तो उसके बीच में सिर्फ 10 से 15 दिन का ही टाइम होता है। अगर वह साफ नहीं की गई तो क्रॉप जो रबी क्रॉप है वो नहीं सो नहीं हो पाएगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है बर्निंग का, लेकिन इसकी वजह से NCR में पॉल्यूशन हो जाता है क्योंकि ज्योग्राफिकली जो एयर होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है और यह और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है NCR के अंदर। अभी जो एक रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और नासा स्टडी ने एक अपनी स्टडी रिलीज की गई थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था जो स्टबल बर्निंग है वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन पॉल्यूशन NCR में जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो बेसिकली जो अक्टूबर और नवंबर में जो पॉल्यूशन होता है उसके अंदर स्टबल बर्निंग 50% कंट्रीब्यूट करती है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले, उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि मैकेनाइज्ड स्वीपिंग होगी और वाटर स्प्रिंकलिंग होगी जिससे कि डस्ट उड़े ना, पर ये बहुत शॉर्ट टर्म तरीका है, एक पैच वर्क है कि प्रॉब्लम हुई और हमने ऊपर से साफ कर दिया। पर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें कि इतनी मेहनत अगर वो रोड के पास में ग्रास उगाने में कर देते तो यह सॉइल को ज़्यादा होल्ड कर पाते और जो बेसिकली एक रूट कॉज है डस्ट का ऊपर उड़ने का वो अपने आप में पूरा हो पाता, कोई दिक्कत नहीं होती। रूट कॉज यही है ना कि जो डस्ट है वो नीचे नहीं बैठ पाती है और वो उड़ती है। तो ग्रास अगर उगाएंगे, घास अगर हम उगाएंगे तो अपने आप ही वह अंदर होल्ड कर पाएगी मिट्टी को। व्हीकल की डेंसिटी को रिड्यूस करना कि व्हीकल ज़्यादा ना चलें, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे एडिटोरियल क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डेडिकेटेड बस कॉरिडोर्स को बिल्ड करने की बजाय जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने तो अभी जो पहले से एग्जिस्टेड बस स्टॉप्स थे उनको ही डिमोलिश कर दिया है। तो यह एक रॉन्ग और नेगेटिव स्टेप है उनकी तरफ से। बाद में जो पैट कोक है उसको बैन किया काफी मुश्किल से। पैट कोक एक कोल का ही सब्सटीट्यूट है, जब उसको यूज करते हैं तो उसमें एक पैट कोक निकलता है जिसमें से बहुत ही वर्स्ट पॉल्यूशन होता है और इसको अभी ही बैन किया गया है, अगर पहले होता तो इतनी दिक्कतें ना होती। इसके अलावा और भी जो ऑड इवन वाला सॉल्यूशन निकाला है, इससे बेटर सॉल्यूशन यहाँ पे ये होगा कि जो पेरिफेरल हाईवेज हैं उनका कंप्लीशन किया जाए, मतलब जो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनका उनको जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्ट किया जाए जिससे कि जो
कैपिटल में जो ट्रक का मूवमेंट होता है उसको रीडायरेक्ट किया जाए, जैसे कि वो क्या कहते हैं मेन लैंड जो हमारी कैपिटल है उसके अंदर रिडक्शन हो जाए ट्रक की डेंसिटी का, और अल्टीमेटली फिर पॉल्यूशन का भी रिडक्शन हो जाएगा। कैपिटल के अंदर मतलब दिल्ली के अंदर गार्बेज फायर्स का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो डंप्स होते हैं उधर कूड़े को हटाने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ आग लगा दी जाती है। ये बहुत गंदी और बेकार प्रैक्टिस है और ये शायद नेशन वाइड ही बहुत बेकार प्रैक्टिस है, नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक कोई कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि सेग्रीगेट करना चाहिए कूड़ा, एक गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, और उस वेस्ट को कैसे प्रोसेस किया जाए। यह बिल्कुल अभी तक कोई कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। यहाँ पर वो फिर से बात कर रहे हैं कि जो क्रॉप बर्निंग है, स्टबल बर्निंग है, वहाँ पे भी कितनी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। एक मैकेनाइज्ड अल्टरनेटिव लाया गया है लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव है, इतना कॉस्टली है, इतना महंगा है कि फार्मर्स फाइन देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन उस मैकेनाइज्ड मशीन वगैरह को खरीदना। इसके लिए भी उन्होंने कोशिश करी कि पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने कि उन मशीन्सों को रेंट पे दिया जाए। लेकिन अगर डाउन टू अर्थ की बात सुने तो उनकी स्टडी कहती है कि उससे इतना फायदा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत कम एरिया उन्हें कवर हो पाता है। और जितना शॉर्ट पीरियड है उस हिसाब से मशीन की अवेलेबिलिटी और टाइम पीरियड के हिसाब से उनकी उतना एरिया कवर नहीं हो पाता है। और जो आपका सीजन होता है और जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि खरीफ के हार्वेस्ट और रबी की सोइंग होनी होती है। लास्टली राइटर कहते हैं कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जैसे कि ग्रीन क्रैकर्स का यूज करना यह अपने आप में हेल्पफुल हो सकते हैं। कम्युनिटी फायरवर्क अगर सारे लोग इंडिविजुअली क्रैकर्स छुटाने की जगह है एक जगह इकट्ठे होकर करें तो यह हेल्पफुल होंगे, लेकिन ये सारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, पैच वर्क है। कोई एक रूट कॉज को इंट्रोड्यूस या रूट कॉज को डील करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें यह शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में भी चाहिए क्योंकि अभी सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है, पर इसके साथ हमें लॉन्ग टर्म भी सॉल्यूशंस चाहिए जिससे कि हमें आगे के जो प्रॉब्लम है उनको